तो जी किसी भी प्रोडक्ट का एक ओनरशिप रिव्यू काफ़ी नहीं होता, तो आज हमें मिल गए हैं सरदार जी और ऐसी झटकों में मिल गए हैं। सरदार जी, ये स्कूटर कौन सी कंपनी का है और कौन सा स्कूटर है? सर ये प्योर है, मेरे को 1 ईयर हो गया है इसको यूज करते हुए। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इनको चार्ज करना पड़ता है तब ये चलते हैं, तो ये एक चार्ज में कितना किलोमीटर चल जाता है? मेरा ऑलमोस्ट डेली का 100 किलोमीटर करीब चल जाता है, वो ये बहुत एनिफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को आज तक। आपका काम क्या है वैसे? मेरा एयर कंडीशन का काम है सर। अच्छा, और डेली वो ये कॉल्स वगैरह पे जाना है, जो कुछ भी जाना है तो इसी को यूज करना है। सामान वगैरह भी सब लोड करके ले जाते हैं, कोई किसी किस्म के वो इशू नहीं आता हमें। कितने का लिया था आपने स्कूटर? ये 95K। 95 मतलब लाख रुपए से कम का है? हाँ जी हाँ जी। इतने पैसे वसूल भी हो गए सर? 9,000 किलोमीटर के करीब चल गया है। आप 30 रुपए मतलब 30 किलोमीटर एक्टिवा चलता था मेरा 1 लीटर में, मैं तो इसी में खुश हूँ, मेरे को एक ठंडी नहीं लगानी पड़ी। इन्होंने एक चीज की प्रॉब्लम की थी, ये सीट छोटी कर दी थी थोड़ा सा, जब 2 बंदे बैठते हैं हमें थोड़ा कंजेस्टेड हो जाना पड़ता है, बाकी सब सही है। जब आपने इसकी डिलीवरी ली थी तो शोरूम वालों का रिस्पॉन्स कैसा था, मतलब डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही, कोई खास उसमें कोई खास फर्क नहीं था इनका। अच्छा, मतलब वो नॉर्मल ही थे वो। तो जब आप इसकी सर्विस करवाने के लिए जाते हो कंपनी में, हाँ जी, वैसे इसकी करवाई है अभी तक सर्विस? दो करवाई है बस, दो ही। उसमें कॉस्ट कितना आता है सर? दोनों फ्री थी। फ्री वाली के बाद मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मैं वैसे इसकी सर्विस में हो गई क्या? कुछ नहीं उन्होंने भी जब मैंने 2 बार देखा उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली ब्रेक टाइट करके दे दिया और वॉश करके ब्रेक टाइट करके दे दिया। तो मैंने फिर उसके बाद मेरे को लगा नहीं कि मैं इसके कुछ करवाऊं, ये कुछ और किया था। अच्छा, सर्विस सेंटर जब आप जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, वो लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं? वो तो खैर नॉर्मल है ऐसे, वो तो चाहते हैं कोई आ रहा है, मैंने तो आते कम ही देखे हैं, वरना ईवी के ओनर तो आते ही नहीं है। वो कहते हैं इसके अंदर सर्विस ही क्या करो, इसीलिए वो तो खुश होते कि शायद आ गया है। हाँ, शायद आ गया, चलो भूला भटका यात्री आ गया हमारे पास। ऐसा कोई अभी इशू आया अभी तक और कंपनी उसका सॉल्यूशन दिया हो या फिर नहीं दिया हो? नहीं सर, अभी तो मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस एक बार एक्सीडेंट हुआ था, बस वही तब मैं गया था उनके पास, उन्होंने उसी के लिए कहा था कि इंश्योरेंस में करवा देते हैं। नहीं, मेरे को छोड़ना नहीं है ये चार्ज, अभी दो। ये चार्ज कितने घंटे में हो जाती है हमारी? तकरीबन 3-1 घंटे मॉर्निंग में मैं 5-5.30 बजे लगा देता हूँ, 8-9 बजे तक मेरे रेडी मिलती है। ब्रेकफास्ट तैयार होता है? हाँ जी, मॉर्निंग में उठ के बस हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, तैयार हो जाएगा, ना पेट्रोल की दिक्कत ना कुछ। हाँ जी, ये जो प्योरीवी कंपनी है ना, ये ऐसे कैंप भी लगाती है जिसके अंदर ये बेनिफिट्स वगैरह देती है अपने? मैंने अभी तक कोई नहीं अवेल किया क्योंकि जब बंदा इतना बिजी होता है ना सर, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी ना, जब जरूरत भी नहीं पड़ी, और जब बंदा बिजी भी होता है उसके पास टाइम भी नहीं होता। लेकिन ये कंपनी सुनने में आता है कि ऐसे कैंप लगाती है जिसके अंदर अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट्स वगैरह देती होगी। हाँ। फोन बहुत बार आए हैं मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। बैटरी के ऊपर भी ना काफी सारे कैंप लगाता है कि जैसे जिन लोगों को 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, वो अपनी बैटरी चेक कर ले। तो चल रही है मेरी, में कोई इशू नहीं है। ये तो वाली बात हो गई, हमारा भी तक चल रहा है, इसको छूना मत है। हाँ, कुछ छू देंगे काम का बंद हो गया या कोई इशू हो गया उसके लिए तो फिर हमें बुरा लगेगा कि हम वहाँ पे गए क्यों। लेकिन ये कंपनी एक बैटरी चेकअप कैंप भी चला रही है, करते होंगे सर, उसके अंदर मैंने नहीं करवानी, मेरा काम चल रहा है, वो छेड़ देंगे तो और कहीं मेरे को। वैसे ये बहुत ही बढ़िया वाला हमारा ओनरशिप रिव्यू चल रहा है कि भैया गाड़ी टचवुड बहुत ही अच्छी ज्यादा चल रही है, बस छेड़ना नहीं, इसके अंदर कोई उंगल पेच नहीं चाहिए क्योंकि चल बहुत अच्छा रहा है ना। तो काम का अब एक चलती चीज को अगर कोई छेड़ेगा तो भैया वो फिर दिक्कत तो होगी। अच्छा, वैसे जब आप इसे सर्विस करवाने जाते थे, हाँ जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस को मिलाया जाए, जब आप जाते हो वो लोग सर्विस करके देते हैं? वो तो वॉश करके, ढंग से वॉश करके, पॉलिश करके बहुत बढ़िया दिया था उन्होंने। 2 बार करवाया, सिर्फ यही देखा कि उन्होंने धोया, ब्रेक को टाइट किया, कुछ नहीं किया, पकड़ा दिया। वो तो ईवी के अंदर वैसे भी कुछ नहीं होता ना। मैं वही फिर खाम का 2 घंटे के लिए क्यों जाऊं? अच्छा, वैसे घर नहीं, सुबह एक बाल्टी से पानी क्यों नहीं मार लूं? वैसे अगर इनके सर्विस एक्सपीरियंस को नंबर देना हो 10 में से तो कितने हो सकते? सर मैं तो प्रोडक्ट को दे सकता हूँ, मेरा फसला चल रहा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे ये वाले तो सीन हो गया कि जो सर्विस की जो इनकी क्वालिटी है वो अच्छी तो है, क्योंकि ईवीस के अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, धो धा के अपना वही चीज देगा, मैं सुबह एक बाल्टी पानी मार लेता हूँ। तो इन ईवी स्कूटर में कुछ होता तो है नहीं, इसके अंदर कोई ऑयल चेंज फिल्टर चेंज तो होना नहीं है, ना ही कोई क्लच वायर ना कुछ, ये वाली जो वायर है ये भी बिल्कुल ऐसी फिक्स ही होती है, कुछ इनमें होता नहीं है, बस एक बार ही डल गई तो डल गई है, यूज मतलब किसी किस्म का जरूरत ही नहीं पड़ी है अभी तक, जरूरत ही नहीं है।
एक साल में 8000 समथिंग आपने किलोमीटर चला लिए हैं। एसी का काम है, हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं, ढोता ही है स्कूटर, कच्चे रास्तों में भी चलता होगा, पतली गलियों में, और पतली गलियों में तो खैर गया स्कूटर है तो चले गई, लेकिन मिट्टी में भी चल रहा है, पत्थरों में से भी निकल रहा है, रोड में भी चल रहा है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को मिला के इस प्रोडक्ट को कितने नंबर दे सकते हैं 10 में से? सर मैं तो 10 ही दूंगा, बाकी मैं तो 10 ही दूंगा क्योंकि मेरा मेरे को पेट्रोल के पैसे मेरे को इतना पता है, मेरे तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपए पेट्रोल के जो एक साल में आते थे वो बच गए। चलो एक नंबर काटना हो किस चीज का काट सकते हैं? सो इसकी सीट को थोड़ा बड़ा कर देते तो बहुत बढ़िया था, मतलब ये वो पॉइंट है जिसको कम से कम इंप्रूव करना चाहिए। हाँ जी, सीट बड़ी करनी चाहिए उन्हें मेरे ख्याल से। अब जो नेस का मॉडल आ रहा है ना उसके अंदर सीट उन्होंने, मैं गया ही नहीं देखने तो मैं कैसे बताऊं, मेरे को तो एक ही इशू आ रहा है कि सीट का नहीं, ये वाली सीट आप उनको बोलो कि मुझे ये सीट चेंज कर दो, तो हो सकता है कि वो ये सीट फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देते हैं। वही ना, बस एक ही चीज मेरे को थोड़ा इशू लगता है कि हम जब दो बंदे बैठते हैं पीछे सामान भी पकड़ लिया कुछ कर लिया तो थोड़ा इशू लगता है। तो मतलब पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है इसके अंदर वो एक सीट ही है, सीट है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। हाँ जी। तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को रेफर करोगे ये स्कूटर कभी? मेरे 5-6 दोस्तों ने लिया है। ले लिया वो मेरे बाद ही लिया है। अच्छा, वो उनका भी उनके भी इतने ऑलमोस्ट इतने किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा, और 8-9 किलोमीटर चल चुके हैं। उन लोगों का क्या काम है? यही एसी का ही, एसी का ही काम है ये तो, मतलब अपने सर्कल में सब पहला मैंने लिया था। हाँ। बाकी सबने मेरे बाद में लिए। हाँ। ये तो बढ़िया एक है। तो ये ना प्रोडक्ट जो है ये ईवी वाले ये मल्टीपर्पज यूज के लिए भी आ रहे हैं, चाहो तो इसमें फैमिली बिठा के ले जाओ, है ना, चाहे तो बच्चों को बिठा के ले जाओ आगे, सामान ढोलो आगे, और मेरे ख्याल से इसके अंदर गैस सिलेंडर आ सकता है, नहीं आ सकता? यहाँ सिलेंडर आ जाता है, बैग आ जाता है आराम से, बैग सीधा आ जाता है, सिलेंडर इसके में नहीं वो एलपीजी वाला जो होता है, एलपीजी नहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर आ जाता है, फिर गैस वगैरह आ जाती है, वैक्यूम पंप वगैरह सारा कुछ, मतलब यहाँ तक हम आराम से फिल कर लेते हैं, बढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। हाँ जी, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने साल भर वही मैंने साल भर चलाया, मेरे दोस्तों ने देख के चलाया, उनको भी 8-9 महीने हो गए हैं, वो मतलब मेरे साथ ही उन्होंने उसी टाइम जब देखा ना कि हमें बचता है तो फिर ले लो यार, और यार मतलब क्योंकि अगर पैसे बच रहे हैं आज की डेट में सबसे रईस इंसान हुआ है जो कि सेविंग कर रहा है अलग अलग, वही बता रहा हूँ 30-40 हज़ार रुपये मिनिमम हमारे उम्मीद है, 40,000 से ऊपर बच चुके हैं हमारे बच रहे। तो गाइस ये था एक ऐसा ही सडनली जो एक ओनरशिप रिव्यू हमने दिखाया कि हमें मिल गए पाजी और उन्होंने अपनी दिल की बात बता दी है हमें, वो भी हंसते खेलते हुए, काम क्या है, एसी का काम है, ये जो स्कूटर है प्रोडक्ट है ये किस तरीके से बनना और कितनी इन्होंने रेटिंग दी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लो, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।